जो 780 वॉइस ओवर्स है तो उसमें बहुत कुछ बोलता है और इतना कुछ कह देता है कि आपको 3-4 सीजन का एक साथ आपको स्टोरी में मिल जाएगा। बट ऑन ए सीरियस नोट, काफ़ी कुछ एक जर्नी है अंडरवर्ल्ड की, क्राइम बेस्ड लोगों की, और बॉम्बे जो 90s में कहा जाता था कि इट वॉज़ अ सिटी अनफॉर्चुनेटली फिल्ड विद क्रिमिनल्स, तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे किरदार थे जो अपने आप को एक अलग ही पर्सनालिटी कहते थे, इंडिविजुअल कहते थे, और दे वांटेड टू स्टैंड आउट, एवरीवन वांटेड टू रूल द सिटी बेसिकली। एंड कहीं ना कहीं हमने उसी की कोशिश की है कि कुछ इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स लिए हैं और वी ट्राइड जस्टिफाइंग द कैरेक्टर्स एंड वी ट्राइड बीइंग आवरसेल्व्स इनटू दैट एरा। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ जो एक कलरफुल दौर था और ऐसे आप कह ही नहीं सकते थे कि एक लाइफ इतना कुछ आप जी सकते हो, इतने सारे चीज़ें आप कर सकते हो एक ही जिंदगी में, वो इन लोगों ने की। तो दैट वाज कमेंडेबल, मतलब हमें करवाया उसके हिसाब से, हाँ इतना कुछ किया है और बहुत क्या बोलते अंदाजे बयां ही अलग था उस टाइम का। वो एक एरा ऐसा था, वो बोलते वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट था वो हिंदुस्तान का उस वक्त, यू नो, बॉम्बे में, मुंबई का स्पेशली, अब बॉम्बे भी था, हम तो बॉम्बे बोला, तो बहुत एक अलग तरीका था लोगों का लाइफ जीने का, उनका सोचने का, यू नो, दिस बिफोर ग्लोबलाइजेशन हुई नहीं थी, एक्सपोजर इतना था नहीं, और ये लोग किस तरह जीते थे, इट वॉज इनक्रेडिबल। और तभी पैसा बहुत बोलता था, तो कहीं ना कहीं एक रूल था कि जिसके पास पैसा होगा उसका बोलबाला होगा, तो हर इंसान को वहाँ राजा बनना था, ऊपर जाना था, डॉन बनना था, या एक इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट ये जो किरदार है, ही लुक्स अप टू दिस गाय हुज लाला एंड इन रियल लाइफ यू कुड सी दैट आई एम वेरी ब्लैक, आई जस्ट वांट टू एनीवे, सो या कहीं ना कहीं ही लुक्स अप टू हिम एंड ही जस्ट वांट्स टू मेक श्योर दैट ही इज़ बीन अप्रिशिएटेड, और उसके अंडर काम कम करके वो इतना कुछ सीखे कि कहीं ना कहीं उसको अपनी एक पहचान भी मिले, अपनी एक आइडेंटिटी मिले। मतलब ये वो टाइम था जब लोगों ने पैसा कमाना, मतलब जो एक टाइम था जब पैसे, ज़्यादा पैसा कमाने का सोचा लोगों ने, पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान में आई थिंक कि लोगों की जो चाह थी पैसा कमाने की वो बहुत बढ़ गई, वरना तब तक यू नो एक बहुत वो था, हाँ। ये तो ये वो टाइम है जब पीपल वांटेड टू गेट आउट ऑफ, अपनी चादर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, करेक्ट, हाँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था इस कंट्री का। लाइक फनियर साइड पे देखा जाए तो तब सोशल मीडिया भी नहीं था, तब एक आउटलुक नहीं था कि एक कॉमन मैन पैसे कैसे कमा सकता है, खुश कैसे हो सकता है, तो तब 90s के दौर पे खुशी मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप खुश हो, अगर आप टॉप पे जा रहे हो, अगर आप कमा रहे हो अच्छा, तो आपकी खुशी पैसों को लेकर कंपेयर होती, तो चीज़ों को लेकर, मतलब पैसों से तुम्हें क्या मिल रहा था, हाँ बहुत अलग ही टाइम था। जी एक्चुअली उनको लेकर रेफरेंस भी है, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं एक सीन भी है जहाँ पर ये संजय दत्त के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो उनको एडमायर कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उनकी तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लुक भी उनसे ही इंस्पायर्ड है, और 90s का जहाँ भी देखो आप, वहाँ पर हमेशा एक स्टाइल था, हमेशा एक अपना एक पर्सोना था, फ्लोइंग। सो या अच्छा किरदार था इनफैक्ट, और अभी पता चलता है कि इतना डिफिकल्ट है बालों को मेंटेन करना, तो 7 महीने मैंने बाल नहीं काटे थे, 7 महीने वॉज द लॉन्गेस्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव एवर डन दैट, बट या इट वॉज अ गुड जर्नी। मेरा कैरेक्टर तो ऐसा था, वो सोचता था कि हीरो लोग उसको कॉपी करेंगे, मतलब जो कैरेक्टर एटलीस्ट मेरा है वो ही, मतलब जो कैरेक्टर है, हाँ। वो ऐसा है कि वो अपने आप को हर एक से ऊपर समझता है, तो उसका तो हम एज फार एज माई हेयर वॉज कंसर्न, वो हमने एक बहुत टिपिकल मिड लेंथ जो 90s का जो एक कॉमन हेयर स्टाइल होता था विद पुश बैक, हमने वो किया था मेरे कैरेक्टर के लिए, सो वो ये अपने आप को, मतलब ये अपने आप को खुद ही अपने आप में एक स्टार समझता है, तो ये सोचता है कि ये वो आदमी है कि जिसको देख के हीरो लोग अपना हेयर स्टाइल वगैरह बनाए, तो उसका कैरेक्टर अलग था, तो उसमें मेरे को किसी को देख के नहीं करना था, वी हैड टू गो ऑन अ पर्टिकुलर लुक कि ये ऐसा है, अब ये अपने दिमाग में अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, सो वी वेंट विद द मिडिल हेयर लुक एंड
मतलब दत्त साहब तो किसके फेवरेट नहीं थे 90s में, वो तो मुझे कोई इस कमरे में नहीं पूछता कि नहीं थे। बट लेकिन वी ग्रो, हमारे लिए इंडियन सिनेमा जो हम स्पेशली आई थिंक यू आल्सो 80s बोर्न, एनीवेज तो हमारे लिए तो इंडियन सिनेमा का मतलब ही 90s है। तो वही एरा है जिसमें हमने जब होश संभाला तो हमने फिल्में तभी देखी। तो दत्त साहब थे, शाहरुख सर थे, सलमान भाई थे, ये सारे एक्टर्स उस वक्त उभर के आए और हम इनको ही देख देख के स्क्रीन पे, यू नो, सनी देओल साहब थे। मैं एक फिल्म देखने गया था, क्या नाम था उसका, जोर थी या जिद्दी थी शायद, उसमें वो टिकट लेते देहरादून में पड़ता था, टिकट लेते थे, मेरी शर्ट फट गई थी ऐसा, यू नो, जिस बैल्कनी का टिकट, इतना पागलपन था कि, तो सारे ये सब स्टार्स थे, इनको देख देख के हम बड़े हुए। एक चीज उस दौर में हम देखते थे कि म्यूजिक वीडियो बहुत ही पॉपुलर था, अब अगेन वो ट्रेंड आ गया, हमने तो आपका म्यूजिक वीडियो का 30 सेकंड से अगर आप लोग को बता सके कि क्या कुछ धमाका करने वाले हैं, प्रोजेक्ट है म्यूजिक वीडियो अगर आप लोग जी, कहीं ना कहीं म्यूज़िक वीडियो एक इम्पॉर्टेंट ढाल रही है फिल्म को प्रमोट करने में, और उसके अलावा भी 2000 का जो एरा था जहाँ पर इंडी पॉप कल्चर बहुत एस्टैब्लिश हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में वो फिल्मों में कहीं खो गया, बट अब वो वापस आ रहा है। एंड अभी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक किस्म का एक अभी कल्चर हो रहा है जहाँ पर हम जल्द से जल्द शूट करके, अनफॉर्चुनेटली फिल्में नहीं आ रही है बाहर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारा म्यूज़िक है जो अटका पड़ा है, और बहुत सारे लोग जो हमारे कॉमन पीपल हैं, जो फैंस हैं, वो लोग हमेशा एक नए गाने के इंतज़ार में रहते हैं, एक फिराक में रहते हैं कि कुछ नई म्यूज़िक सुने, हम नई धुन सुने। तो कहीं ना कहीं हम उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं म्यूज़िक वीडियो के द्वारा, एंड इट्स गोइंग गुड, पीपल आर वॉचिंग इट एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। नहीं, मेरे को भी कोई म्यूजिक वीडियो ऑफर नहीं हुआ, मैंने भी तो कुछ किया नहीं है, बट अगर है तो प्लीज़। वो नहीं, वो अलाउड नहीं होगा ना, वो उसके कौन बोल रहा है, तू गाला बोल रहा है, मैं हीरो बोल रहा, तू बोल रहा है। नहीं, वो क्या था डायलॉग, क्या था उसका डायलॉग था ना, हमने इसी को रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, कभी ऐसा आपके लाइफ में हुआ कि आपने कॉल किया तो कौन बोल रहा है, ये होता है ना, कौन बोल रहा है, नहीं वो हमेशा वो ऐसा होता है, तेरा बाप बोल रहा है तो नहीं नहीं कौन बोल रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली तो एक बहुत मतलब हु स्पीकिंग या कौन बोल रहा है, हाँ ये तो हमेशा बोलते ही लोग पूछते हैं। तो एम्बैरेस नहीं हुआ कभी ऐसे कि किस बंदे के पास मेरा नंबर होना चाहिए था, या वैसे अब नहीं बोलता कोई, बिकॉज मोस्टली नंबर होते हैं सबके पास ना फोन में स्टोर्ड, व्हाट इज दैट, ट्रू कॉलर, ट्रू कॉलर, हां अगर नहीं भी होते तो पता नहीं। हां मेरे पास एक क्वेश्चन जी है कि वीडियो को लेकर के बहुत ट्रेंड चल रहा है म्यूजिक वीडियो में, आपको अगर आगे चलने के लिए है तो आप किस सब करना चाहेंगे, लेकिन नहीं ऐसा तो कोई दिमाग में कुछ है नहीं कि हम ऐसे ढंग के चलते हैं कि हाँ कोई ये होनी चाहिए, वो एक प्रोजेक्ट को देखकर हम देखते हैं कि कैसे मेरे साथ गाना अच्छा होना चाहिए, बस मोर देन एनीथिंग मेरे साथ, हाँ ऑफकोर्स। तो हमारा एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है, आपने सही सवाल पूछा, आपको एक म्यूजिक वीडियो मिल जाएगा हीरो का, हीरोइन बोल रही, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।